आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, यानी आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है अगले 15 दिनों में, ओके, या नहीं भी पूरी होने वाली है, हमको ये पता लगेगा। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी जोड़े साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, तो चाहे आपकी कोई भी उम्र है या आपका कोई भी जोड़े साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, ये रीडिंग यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप मुझे देख रहे हैं, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, ऑफकोर्स आप मुझे देख तो नहीं पा रहे हैं, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी फिर, चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीनों, सालों या हफ्तों बाद पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ रीडिंग्स के दौरान। इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोगों में से काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया भी है, और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। आइए चलिए देखते हैं कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है या हो सकती है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ब्यूटिफुल। तो व्यूअर्स, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों के लिए, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या ना कर रहे थे, यानी कि नहीं कर रहे थे, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, या किसी नए व्यक्ति पर, किसी पर आपको क्रश हो सकता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे आप पर क्रश है। ओके, तो यहाँ पर एक दोस्ती से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जनरेट कर सकता है। ओके, तो आप में से काफी लोग अगर मूव ऑन कर चुके थे अपने पास्ट के साथ और कहीं ना कहीं चाहते थे कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, तो मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है भी हो सकता है। और आप में से अगर किसी ने किसी को, न्यू पर्सन को, अपने क्रश को, किसी को मैनिफेस्ट किया था, तो मुझे लग रहा है वो भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि जितना ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड होंगे, उतना ही आप भी इनमें इंटरेस्टेड होंगे। मुझे इक्वल लग रहा है ये कनेक्शन, बहुत दोनों तरफ से अट्रैक्शन इक्वल होगा। तो अगर आप किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जरूर वो होने वाला है, क्योंकि एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होती हुई दिख रही है, शुरू होती हुई दिख रही है, क्योंकि पुरानी साइकिल्स आई थिंक एंड होने वाली हैं, या आप एंड कर रहे हैं, पुरानी रोमांटिक साइकिल्स को एंड कर रहे हैं या होने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर न्यूनेस बहुत है, एक नयापन है आपके लव लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओ माय गॉड। दोनों में व्यूअर्स लगभग सिमिलर मैसेजेस हैं, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, लेट मी ट्राई। ओके, फोकस आना चाहिए ना इस पर। हाँ, ये देखिए व्यूअर्स, इस कार्ड का मैसेज है, वो भी यही लिखा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, और जो इस कार्ड का मैसेज है वो लिखा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यानी कि न्यू दोनों में है, इसमें भी न्यू स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, रोमांटिक साइकिल एंड न्यू स्टार्ट। तो व्यूअर्स, दोनों कार्ड लगभग सिमिलर सा मैसेज दे रहे हैं, इससे मुझे यही चीज पता लग रही है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। ओके, न्यू कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफी लोग अगर एक बिगिनिंग मांग रहे थे,
कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या कुछ किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते थे, कुछ नई हॉबी कुछ शुरू करने वाले थे, कुछ नया मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है काफी लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं आप ये नई शुरुआत चाहते थे, इसका वेट कर रहे थे, ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, तो ये नई शुरुआत आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है, और रोमांटिक लाइफ में तो कुछ न्यू हो ही रहा है। ओके, तो कुछ नया यहाँ पर हो सकता है, पुरानी साइकिल्स बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे एंड हो रही हैं, और नए लोगों की एंट्री हो सकती है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए नए एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग अपनी जहाँ आप रह रहे हैं वो आप जगह शिफ्ट कर दें, कहीं जाना पड़े आपको, ठीक है। तो दोनों कार्ड्स इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक रिफ्रेशमेंट आने वाली है, एक न्यूनेस आने वाली है, एक नई शुरुआत हो रही है, इवन आपकी लव लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सी आई होप इट इज विजिबल, सी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहां पर व्यूअर्स कहा जा रहा है आपसे कि अपने सपनों पे भरोसा रखें, तो अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं, ओके, नो मैटर कि वो लव लाइफ से लेकर कोई सपने हैं या आपके करियर से लेकर कोई ड्रीम्स हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आपका लव लाइफ को लेकर कोई ड्रीम था तो वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है, अगर आपका करियर को लेकर कोई ड्रीम था तो वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। व्यूअर्स, अगर आपको 444 दिखता है, 444 दिख रहा है अगर आपको, तो उसका मीनिंग आप जरूर सर्च करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों को 444, 777, 222 दिख रहा हो सकता है। अपने सपनों पे भरोसा रखिए, आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। हो सकता है आप में से कई लोग अपने गोल को अचीव करने से पहले, आपने अपने गोल के बहुत करीब पहुंचने के बाद गिव अप करने की सोच रहे हों या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने गोल्स पर भरोसा रखें। ओके, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उन पर फेथ रखें, वो पूरे जरूर होंगे, ठीक है, हिम्मत ना हारें, ये कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका कोई सपना है ना व्यूअर्स, तो उसके लिए एक प्लान बनाइए। सिर्फ सपना सपना रह जाएगा अगर हम उसके लिए प्लान नहीं बनाएंगे, तो हम सोचेंगे नहीं कि हमें शुरू कैसे करना है, तो क्योंकि न्यू स्टार्ट तो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप उस न्यू बिगिनिंग को एक प्लान के साथ, एक सेंसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करें। तो जो भी लोग एक न्यूनेस, एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे थे या विश कर रहे थे, तो अगले 15 दिनों में ये न्यू बिगिनिंग व्यूअर्स आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। चलिए कुछ डिवाइन मैसेजेस लेते हैं। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, ओके, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल। यहां पर आपसे कहा जा रहा है व्यूअर्स, डिवाइन मैसेज है आपके लिए, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, यानी कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, एक पर्पस है आपकी लाइफ का, तो आपको ये नहीं भूलना है, आपको कभी सही रास्ते से नहीं हटना है, चाहे कोई शॉर्टकट ऑफर करे या आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे। सही रास्ते पर चलना इतना भी आसान नहीं रहता है लोगों के लिए, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर आपसे मना किया जा रहा है कि आप जिस रास्ते पर चले हैं उससे भटकने के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, सब चीज सही रूप से करनी है, क्योंकि आपका दिमाग कितना भी आपको गलत करना बताए, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि क्या गलत है क्या सही है। चोर जब चोरी करता है तो वो जानता है कि ये गलत है, तो आप सही और गलत का भेद कर पाएंगे, इसीलिए रॉन्ग ट्रैक पर ना जाएं। और कहा जा रहा है दैट टेक स्टेप, ओके, अपनी हैप्पीनेस की तरफ वन बाय वन स्टेप लीजिए, यानी कि मैंने कहा ना, जो भी आपके ड्रीम्स है, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको सिर्फ ड्रीम्स ना रखें, उनके लिए प्लानिंग करना शुरू करें, कैसे स्टेप्स लेने हैं आपको, और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक बार में एक स्टेप लें, बहुत कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते, बहुत कुछ एक साथ हो नहीं सकता, वन बाय वन, एक एक स्टेप के साथ आप आगे बढ़ें,
आपका ड्रीम कहीं दूर नहीं है आपसे, ये कहा जा रहा है। ओके, आप अचीव जरूर कर पाएंगे। ओके, मूव बैक टू द होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। मूव बैक टू द होलनेस एंड रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यानी कि व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जब तक सपने पूरे नहीं हो रहे, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तब तक आप अपने आप को इनकम्प्लीट अनसेटिस्फाइड मान रहे हैं। और ये जो इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फाइड होने की फीलिंग होती है, ये हमें हमेशा क्रेव करना सिखाती है, चीज़ों के लिए नीडी और डेस्परेट होना सिखाती है। बट द मोमेंट यू लूज द ग्रिप, यानी कि जिस मोमेंट आप डिसाइड करते हैं कि आप जैसे भी जीवन में हैं, जो भी आपको मिला है, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं और अपने आप में कंप्लीट हैं। अगर कुछ और आपकी लाइफ में आता है, कोई इच्छा अगर पूरी होती है, तो वो एड ऑन हो जाएगा। यानी कि पहले ही लाइफ अच्छी है, उसके ऊपर कुछ और प्लस हो जाएगा अच्छा। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो जीवन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, एक कार्ड हम आपके एंसेस्टर्स से लेते हैं। ओके, मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो व्यूअर्स, आप में से काफी लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, और आप काफी समय से अपने माता पिता या घर के किसी व्यक्ति या अपनी सेहत को लेकर, तबीयत को लेकर परेशान थे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी की तबीयत ठीक होने वाली है, रिकवर करने वाला है कोई। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स की कहीं ना कहीं अगर आप डिप्रेस थे अब तक, या आप सैड थे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी हीलिंग शुरू होने वाली है। आपके जीवन में भी ये न्यू साइकिल जो आ रही है, न्यू बिगिनिंग जो आ रही है, ये आपकी लाइफ में भी एक हीलिंग का एहसास आपको देगी। ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ हैं, यानी कि आपको ओपन अप होना पड़ेगा उस हीलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो एंजल्स, एंसेस्टर्स और डिवाइन स्पिरिट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि क्लोज्ड ऑफ मत रहिए, हर तरफ से आपको सहायता मिल सकती है, हर तरफ से आपको हीलिंग मिल सकती है, इसीलिए आपको ओपन रहना है। ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है अगले 15 दिनों में। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली।